दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे चेहरे के साथ ही साथ हमारे हाथ पैर खूबसूरत हो, हमारी त्वचा गोरी हो और साथ ही साथ हमारे स्किन में से सारे डेड सेल आसानी से रिमूव हो जाए। आज मैं आपके लिए रंग को गोरा करने की एक ऐसी होम रेमेडी लेकर आई हूँ जिसके पहले बार के इस्तेमाल से आप फ़र्क महसूस करेंगे। सारी टैनिंग दूर होगी, साथ ही साथ आप बहुत आसानी से अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकते हैं। आप इस रेमेडी को अपने हाथों पर लगा सकते हैं, आप अपने अंडर आर्म्स पर भी लगाएंगे, उससे भी आपके अनचाहे बाल निकल जाएंगे। चेहरे पर, होठों के ऊपर यदि बारीक बारीक से बाल हैं या फेशियल हेयर हैं, उसे भी ये रेमेडी रिमूव करेगी। अनचाहे बालों से, अनवांटेड हेयर से छुटकारा पा सकते हैं, स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं। आपको सबसे पहले लेना है चावल का आटा, राइस फ्लोर। यदि आपके पास चावल का आटा नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक कटोरी चावल को ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड करके छान कर आप उसका पाउडर बना सकते हैं। वैसे तो चावल का आटा मार्केट में भी आता है, बना हुआ खरीदें या घर पर ही पीस कर आप राइस फ्लोर बना सकते हैं। चावल का आटा हमारे स्किन में से सारे डेड सेल को रिमूव करता है, हमारे अनवांटेड हेयर को बहुत आसानी से हटाता है। कैसे बनाना है इस पैक को, चलिए देखते हैं। 2 बड़ा चम्मच राइस फ्लोर लेना है। यदि आप अपने हाथ पैरों के, शरीर के सारे हिस्सों के बालों को हटाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा चावल का आटा ज़्यादा भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको आधा लेमन का जूस डालना है। नींबू का रस हमारी त्वचा पर गोरापन लाता है, टैनिंग को, डेड सेल को तेज़ी से हटाता है। अगली चीज़, इस पैक को मिक्स करने के लिए हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे दही। दही हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करती है, दही हमारे स्किन को हाइड्रेट भी करती है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, दही आपको करीब करीब 4 बड़े चम्मच लेना है। दही में प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन डी होता है, जिसके कारण हमारी त्वचा जो है वो हेल्दी होती है। हमारी त्वचा से सारी टैनिंग को रिमूव करता है दही का पैक। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें नारियल तेल डालेंगे ताकि हमारे अनवांटेड हेयर जब रिमूव हो तो हमारी त्वचा पर सूखापन ना आने पाए, हमारी त्वचा ड्राई होने ना पाए। और कोकोनट ऑयल ज़्यादातर सभी को सूट करता है, सभी तरह के एज ग्रुप वाले, सभी तरह के स्किन वाले भी कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ 1 चम्मच कॉफ़ी भी डाल सकते हैं यदि आपके पास कॉफ़ी है। मान लीजिए आप बोलेंगे मेरे पास चावल का आटा नहीं है, मान लीजिए राइस फ्लोर नहीं है, उसकी जगह आप यहाँ पर बेसन ले सकते हैं या फिर मसूर दाल का पाउडर भी ले सकते हैं। लाल वाली जो हमारी मसूर की दाल आती ना, उसी मसूर दाल को मैंने घर पर पीस कर इसका पाउडर बनाया है। तो कोई भी एक चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप लोग के पास मसूर दाल है तो मसूर दाल को पीस कर उसका पाउडर बनाएं। 2 चम्मच मसूर दाल ले सकते हैं या 2 चम्मच चावल का आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हमारे पास कई चीज़ें नहीं होती हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ राइस फ्लोर लिया है 2 चम्मच, यदि राइस फ्लोर नहीं है तो इसकी जगह आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इस पैक को लगाकर 15 मिनट तक रखना है ताकि हमारी टैनिंग दूर हो, हमारी डेड सेल दूर हो। और जब इस पैक को हम थोड़ा सा मसाज करते हुए रिमूव करेंगे तो ये हमारे शरीर के सारे अनवांटेड हेयर को भी रिमूव करेगा। ये पैक इतना पावरफुल है दोस्तों। तो आपको इसमें चावल का आटा जो लिया है, इसमें आप चाहें तो मसूर की दाल का आटा मिलाएं, नहीं है तो 2 चम्मच बेसन भी मिला सकते। मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों इस पैक को तैयार करने। बेसन ले, चावल का आटा ले या फिर मसूर दाल का पाउडर भी ले सकते हैं। आप चाहें तो कभी कभी तीनों को मिलाकर भी ले सकते हैं दोस्तों। अगर तीनों चीज़ें हैं आपके घर पर अवेलेबल, ज़रूर लें। सभी की क्वालिटी अलग होती है। बेसन हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लाइटन और ब्राइटन करता है। बेसन भी सभी तरह के त्वचा वालों को सूट करता है, चाहे आपकी स्किन ऑयली है, चाहे ड्राई है, चाहे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सभी एज ग्रुप वाले इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 नींबू का रस डालना है। यदि लेमन जूस सूट नहीं करता है तो नींबू का 1/4 टुकड़ा ही डालें। मैंने भी 1/2 नींबू का और भी हाफ कर लिया है और उसे ही निचोड़ रही हूँ। लेमन जूस जो होता है दोस्तों, एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है, हमारे रंग को निखारता है और अनचाहे बालों की जड़ों को कमज़ोर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। चावल का आटा लिया है, मसूर दाल डाला है 1 चम्मच, आप चाहें तो मसूर दाल की जगह बेसन डाल सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके दही डालना है। दही आपको करीब करीब 3 बड़े चम्मच दही का इस्तेमाल करना है। यदि दही कम लगे तो थोड़ा सा आप और भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को
मिला लें। ये एक ऐसा बॉडी पैक है दोस्तों जो कि आपके आपकी त्वचा को खूबसूरत बनाएगा। आपकी त्वचा में यदि कालापन है, गंदगी है, उसे भी दूर करेगा। कई बार हमारे घुटने की त्वचा, हमारी कोहनी की त्वचा में बहुत ज़्यादा कालापन आने लगता है, मतलब हमारे नीज और एल्बो तो एकदम काले से दिखते हैं। हमारे अंडर आर्म्स की स्किन के कालेपन को भी दूर करेगा। अनचाहे बालों को हटाने के लिए हम लोग तरह तरह की हेयर रिमूवल क्रीम का सहारा लेते हैं, हम लोग बहुत सी चीज़ें लगाते हैं, वैक्सिंग कराते हैं जो कि हमारी त्वचा को ढीला कर देती है, हमारी स्किन लूज हो जाती है। ये एक ऐसी पावरफुल रेमेडी है ये पैक दोस्तों, जिसे आपको मसाज करते हुए लगाना है। मसाज करते हुए लगाएंगे ना तो इससे क्या होगा, आपकी जो बालों की जड़ें हैं थोड़ी सी खींचेंगी, थोड़ा सा आपस में जो जड़ें हैं दोस्तों खिंचाव के कारण थोड़ी सी रगड़ खाएंगी और मसाज करने से। और 10 मिनट के बाद जब आप इसे ताकत से बालों के उल्टी डायरेक्शन में इसे निकालेंगे दोस्तों, तो सारे के सारे अनचाहे बालों को हटा लेगी। चेहरे पर जो हमारे फेशियल हेयर होते हैं, हमारे होठों के ऊपर, उसके लिए ये पैक बहुत पावरफुल है। जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो लंबे समय तक खूबसूरत रहेंगे। 10 मिनट इसे रखने के बाद, आप 15 मिनट भी इसे रख सकते हैं, ठंड के मौसम में थोड़ा टाइम लगता है सूखने में। 15 मिनट के बाद एक मैंने वही नींबू लिया है जो खाली हो चुका, जिसका रस मैंने यूज़ कर लिया है। नींबू के छिलके से आपको इसे रगड़ते हुए निकालना है ताकि हमारे बालों की जड़ें जो कमज़ोर हो गई हैं वे भी इस पैक के साथ निकलें। डेड स्किन निकलेगी, अनचाहे बाल रिमूव होंगे, त्वचा पर गोरापन आएगा, त्वचा में कसाव आएगा और आप अपने आप को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। खूबसूरत दिखने की चाहत हम सब की होती है दोस्तों, और उसी लिए ये बॉडी पैक लेकर आई हूँ जिसके आपको इतने फ़ायदे हैं। आपके स्किन में यदि कहीं दाग धब्बे हैं, वो भी दाग धब्बे दूर होंगे, आपकी स्किन अच्छी ग्लोइंग होगी, आपकी त्वचा में कसाव आएगा, लंबे समय तक झुर्रियाँ, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें दूर होंगी। यदि चेहरे पर झाइयाँ हैं, मेलाज्मा है, तो उसके लिए भी आप इस पैक को लगा सकते हैं। आपका मेलाज्मा एक सप्ताह में चला जाएगा। इसके बाद इसे रगड़ कर पोंछने के बाद ही आप इसे धोएं, जैसा मैं धोकर दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से खूब अच्छी तरह से पानी से धो लें। अब आप देख सकते हैं मेरे हाथों में बहुत अच्छी चमक आ गई दोस्तों। आप दोनों हाथों में कंपैरिजन करेंगे ना, एक हाथ की स्किन बहुत डल दिखाई दे रही है। तो इस पैक को पूरे चेहरे पर लगाएंगे ना, सारे के सारे फेशियल हेयर रिमूव हो जाएंगे और आपके स्किन में बहुत अच्छा निखार आएगा, आपकी त्वचा पर बहुत अच्छी चमक आएगी। सभी पूछेंगे कि आपने अपने चेहरे पर क्या लगाया है, ये इतनी ज़्यादा फायदेमंद है। नारियल तेल आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, नमी बनाकर रखेगा, जिससे कि आपकी त्वचा ड्राई होने नहीं पाएगी। सप्ताह में 2 बार इस पैक को आपको अपने पूरे शरीर पर लगाना है 100% रिजल्ट के लिए। वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को सब्सक्राइब जरूर करें।